गाइस, दिस इज अभिषिका हेयर एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल साई आयुर्वेद भवन। साई आयुर्वेद भवन में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड टुडेज टॉप इज ऑर्थोविट। आज मैं इस वीडियो में आपको ऑर्थोविट कैप्सूल्स के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन दूंगी, इससे रिलेटेड बहुत सी जानकारियां दूंगी, ये कौन से डिजीज में फायदेमंद है, इसे कैसे यूज करना है और बहुत सी रिलेटेड जानकारियां दूंगी। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में ही बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले ताकि न्यू अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो लेट्स मूव टू द वीडियो दैट इज कॉल्ड ऑर्थोविट। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऑर्थोविट की पैकिंग कुछ कार्टून पैकिंग में आती है और येलो कलर की इसकी पैकिंग है, छोटे से कार्टून पैकिंग में इसे तैयार किया गया है। और ऑर्थोविट जैसा कि आप पिक्चराइजेशन में भी देख सकते हैं या तो नाम से भी थोड़ा सा गेसिंग कर सकते हैं, ये किसी भी तरह के अर्थराइटिक पेन में बहुत ज्यादा यूजफुल है। वैसे तो ये मेडिसिन जो है मल्टी फंक्शनल है, बहुत से इसके अलग अलग यूजेस है, लेकिन स्पेशली ये अर्थराइटिक पेन के लिए बहुत ज्यादा मशहूर एक मेडिसिन है जो बहुत इफेक्टिव भी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये GMP सर्टिफाइड है, तो आप इसे निश्चिंत होकर यूज कर सकते हैं। और एक बात और उससे भी अच्छी है कि 100% हर्बल और नेचुरल है, इसमें जो भी इंग्रेडिएंट है वो हर्बल आयुर्वेदिक है, तो आपको बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में कोई भी साइड इफेक्ट ये नहीं करती है, तो आप इसे ले सकते हैं। आइए चेक करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। इसका जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है शालिकी, गुगुल, योगराज गुगुल, नीरा गुंडी, परिजातक, पुनर्नवा, त्रिफला, अश्वगंधा, हरिद्रा, शोभांजन और भी इस तरह के बहुत सारे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से इसे जो है तैयार किया गया है। और ये सारी जड़ी बूटियां जो है अपने आप में एक एक मेडिसिन है और इन सभी चीजों के एक्सट्रैक्ट से या मिश्रण से जब इसे तैयार किया गया है तो आप गेस कर सकते हैं ये कितनी इफेक्टिव मेडिसिन है। तो और ये जो है किसी भी एज ग्रुप के लोग ले सकते हैं, सिर्फ जो है वो एडल्ट होने चाहिए। एंड दिस मेडिसिन इज वेरी इफेक्टिव मेडिसिन फॉर दोज सफरिंग फ्रॉम स्टिफनेस, बैक एक, क्रॉनिक हेडेक, लो बैक पेन, जॉ पेन, सर्वाइकल स्पाइन पेन, स्पॉन्डिलाइटिस पेन। ये जो है बहुत लोगों के लिए ये फायदेमंद, एक बहुत फायदेमंद मेडिसिन है, क्योंकि जिन लोगों को सुबह उठते के साथ ही पूरे बॉडी में स्टिफनेस रहती है, वो फ्री फील नहीं करते हैं, उनके लिए भी ये इफेक्टिव है। और अगर आपको बैक में बहुत ज्यादा पेन रहता है हर वक्त, वो लोग भी इसे ले सकते हैं। अगर हर वक्त आप जो है अपने सिर में दर्द आपको रहती है, हेडेक होती है, क्रॉनिक हेडेक, उसमें उस सिचुएशन के लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। और अगर आपको हमेशा लोअर बैक पेन रहती है यानी कि कमर में दर्द रहती है तो भी आप इसे ले सकते हैं। अगर आपको जॉ पेन होती है यानी कि आपके जबड़े में दर्द होती है, फिर भी आप इसे यूज कर सकते हैं। और सर्वाइकल स्पाइन पेन, ये जो है एक बहुत क्रॉनिक पेन होता है जिसमें जो है बहुत बहुत असहनीय दर्द होता है, तो उस स्पाइन पेन में भी आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। और स्पॉन्डिलाइटिस पेन में भी आप इसे ले सकते हैं। और ये जो है इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे डिजीजेस में ये फायदेमंद है, जैसे कि आपको बहुत पुराने से पुरानी खांसी है तो भी आप इसे यूज करके देख सकते हैं। और कफ, अगर आपकी कफ बहुत दिन से आप कफ से सफरिंग कर रहे हैं तो भी उस कफ को आउट करने में ये मेडिसिन जो है मदद करती है। पहले भी जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हर तरह के अर्थराइटिक पेन यानी कि वात की वेदना को दूर करने में ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। ब्रदर रोग में ये बहुत अच्छे से काम करती है, तो इन सारे डिजीजेस के लिए ये एक मल्टी फंक्शनल मेडिसिन है। लेकिन इस मेडिसिन को लेते वक्त कुछ इसके प्रिकॉशंस है जिसे मैं शेयर करना चाहूंगी, तो लेट्स टेक द प्रिकॉशंस। डोंट यूज हाई प्रोटीन एंड एसिडिक फूड व्हाइल यू आर यूजिंग दिस मेडिसिन। आपको जो है बहुत जिस खाने में हाई प्रोटीन है वैसा खाना आपको नहीं लेना है, और जिससे आपको एसिडिटी होती है वैसा खाना आपको नहीं खाना है। अवॉइड ऑल टाइप्स ऑफ मीट्स, यानी कि आपको हर तरह के मांस को अवॉइड करना है, वेदर इट्स चिकन, मटन एंड एनी टाइप ऑफ मीट। अवॉइड सी फूड्स, यानी कि सामुद्रिक खानों से आपको परहेज करनी है, सामुद्रिक नॉनवेज जो होते हैं उससे आपको अवॉइड करना है। अवॉइड एग्स, राइस, अगर आपको जो है अंडे से थोड़ी सी परहेज करनी होगी, और चावल भी आपको जो है परहेज में रखना होगा। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डोंट यूज एल्कोहल वाइल यू आर यूजिंग दिस मेडिसिन। आपको शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है जब आप इस मेडिसिन को ले रहे हैं। एंड अवॉइड ऑल्सो कोल्ड ड्रिंक्स एंड कर्ड ऑल्सो, अगर आप इस मेडिसिन को ले रहे हैं तो आप कोल्ड ड्रिंक का भी इस्तेमाल ना करें
और दही को भी जितना हो सके परहेज करें। अगर आप इन सब प्रिकॉशंस के साथ इस मेडिसिन को लेते हैं देन यू विल गेट द इफेक्टिव रिजल्ट इन वेरी फ्यू डेज। आपको बहुत जल्द बहुत इफेक्टिव रिजल्ट जो है मिलेगा, लेकिन अगर आप प्रिकॉशन के साथ इस मेडिसिन को लेते हैं। और इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो इसकी आज की डेट की जो प्राइस है वो है रुपीज 210। और इसकी डोजेस की अगर हम बात करें तो आपको 1-1 टैबलेट 3 times a day लेनी है, यानी कि मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट, 3 बार। एक दिन में आपको 3 बार ये मेडिसिन लेनी है और रेगुलरली आपको लेनी है। और इसकी अगर हम अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये जो है आपको किसी भी आयुर्वेदिक शॉप में बहुत इजीली अवेलेबल है। आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, बहुत इजीली आपको ये आपके लोकेलिटी में मिल जाएगी। होप मेरा आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूले, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले, क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारे मेडिसिन के रिव्यू आपके लिए लाने वाली हूँ जो बहुत इन्फॉर्मेटिव होंगी। हमारे साथ बने रहें एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।